करना पड़ती है भैया इसका, अगर पानी नहीं रहा तो परेशानी, अच्छा ज्यादा अच्छा पानी हो तो परेशानी। What's up everyone? So अब ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोगों ने जर्नी दिखाई थी और दूसरे पार्ट में हम दिखाने वाले हैं आपको, क्या दिखाने वाले हैं? अंगूर के बगीचे। अंगूर के बगीचे, तो दोस्तों जहाँ भी नजर जाएगी आपको सिर्फ अंगूर ही अंगूर दिखेगा भाई। यहाँ तो गुच्छे गुच्छे अंगूर के, क्या पक गए हैं? खा सकते इसको? खा सकते हैं, थोड़ा पोंछ के खा। हाँ तो, और ये व्लॉगिंग करते हुए मोहित सिंह है, व्लॉगर। यस ब्रो, तो कैन यू बिलीव इट गाइस, यहाँ है ढेर सारे मिलियंस ऑफ मिलियंस अंगूर। तो गुच्छे देख सकते हैं आप, ओ माय गॉड, देखिए नीचे से दिखाता हूँ आपको, हर जगह अंगूर, यहाँ भी अंगूर। तो ये है अंगूर, जहां नजर जाएगी आपको अंगूर ही अंगूर दिखेगा। हम लोग अंगूर के जहां में है, वाह भैया आ गया गुच्छे गुच्छे तय, क्योंकि वाइन भी तो अंगूर से ही बनते हैं भाई, वाइन भी तो अंगूर से बनते हैं ना। यही अंगूर है वो। ओह मुझे तो फिर से नशा चढ़ रहा है, इतने सारे अंगूर देख सकते हैं, खत्म ही होने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत लंबा है ये, इतनी बड़ी खेती है कि ये भूलभुलैया है, आप यहाँ पे छुपन छुपाई भी खेल सकते हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, मैं अंगूरों की बारिश में खड़ा हूँ। यहाँ पे आप खाओ नहाओ सब आपके ऊपर है, पर इसको साफ करके खाए। व्हाट अ टेस्ट, हमें झुक के जाना पड़ रहा है क्योंकि ऊपर अंगूर ही अंगूर है। ओके दोस्तों, क्या आप लोगों ने इतने सारे अंगूर एक साथ देखे हैं? अगर देखे होंगे तो कमेंट करें किस किसने देखा है, क्योंकि मैंने तो पहली बार देखा है इतने सारे एक साथ अंगूर, बहुत सारे हैं। दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरे वाले अंगूर के पास, जो कि ग्रीन है, वो थे ब्लैक, अब जा रहे हैं हम लोग ग्रीन देखने, जहाँ देखो अंगूर ही अंगूर। दोस्तों अंगूर से याद आया कि मैं अब बिजनेस डालने वाला हूँ अंगूर का, क्या लगता है सही रहेगा? कमाई बहुत होगी है ना। हाँ तो अब हम आ गए हैं ग्रीन वाले अंगूर में, तो यहाँ भी अंगूरों की बारिश आपको मिलेगी। आई तेरी, देख सकते हैं आप दोस्तों, सर में भी लग रहा है तो अंगूर ही लग रहा है। तो ये है ग्रीन अंगूर, वाह वाह, ये भी टेस्टी है, प्योर खेती का अंगूर। जहाँ नजर जाती है आपको सिर्फ ग्रीन ही अंगूर दिखेंगे यहाँ पे। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ भी अंगूरों के गुच्छे हैं, ये है 100 रुपये किलो, नहीं 500 रुपये किलो, 500 रुपये किलो, आइए ले जाइए। तो उस साइड है काले अंगूर, इधर है ग्रीन, भाई बहुत टेस्टी यार, मतलब जो खाते हैं हम लोग बाहर वहाँ पे इतना टेस्टी नहीं लगता है, ये पे टेस्टी लग रहा है। ये खेत तो हम लोग का ही है। ओके मतलब और कुछ बोलोगे खेत के बारे में? बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत खेत है। बोलता है ये कैसा अंगूर, क्या बोलता तो है? बहुत बढ़िया है भाई, डाल दे बिजनेस, बोल तू बिक, तू रेडी है तो बोल, सब मिलेगा। अंगूर ही अंगूर, अंगूर भी प्यारे प्यारे वो दोस्तों। हाँ बहुत दिनों बाद गांव आया हूँ, फिर आपको एक दिन अपने गांव में ले चलूँगा, अभी दोस्त का गांव है। और ये है कुआ, बहुत गहरा है, ओह वो भी दिखाएंगे कुआ दोस्तों, बहुत गहरा कुआ है, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, ओ यहीं तक है यार, ये तो गहरा ही नहीं है, कुआ छोटा है, अब ये कुआ बड़ा हो जाएगा, छोटा है। चलते हैं आगे की ओर। अच्छा ये वाला कुआ है, ये प्याज है क्या? ये प्याज के बीज का, बीज के जा रहे, प्याज का बीज आता ना। हाँ हाँ हाँ
तो पानी की सुविधा होनी बहुत ज़रूरी है खेती के लिए। अगर पानी नहीं होगा तो ज़मीन उपजाऊ नहीं होगी, तो सब कुछ ज़रूरी है। देख सकते हैं आप, ये है कुआं, बहुत ही गहरा, बहुत ही शानदार, स्वच्छ पानी। क्या बोलता है बख्तियार, डुबकी मारेगा? नहीं, सुबह में डुबकी नहीं मार सकते। डर के आगे जीत है। वो दूसरे कुएं पे जाते हैं। चलो चलो, लेट्स गो। अच्छा, मतलब एक दो घंटा लगता है इसको हाँ। पूरा प्रोसेस होने में। और ये कब कब ये उगता है, ये कितना टाइम अगर बीज लगाया तो? फिर भी बीज लगाने को अभी एक महीने के अंदर, एक महीना लगता है पूरा। और ये अंगूर? अंगूर को 3 महीना लगता है। 3 महीना लगता है। ओके ओके, तो दोस्तों रिस्पेक्ट करें हमारे देश के किसान जितने भी हैं, उनके लिए सैल्यूट है दिल से। थैंक यू आंटी सो मच हमारे व्यूअर्स को बताने के लिए, और आप इतना मेहनत करते हो, बहुत अच्छा लगता है ये सब सोच के। तो दोस्तों खाइए, मज़े कीजिए और सम्मान कीजिए, क्योंकि हक हक हक। और अंगूर खाइए हमारे साथ। तो दोस्तों देख सकते हैं आप कि कुछ अंगूर पिचक गए हैं। वो इसलिए होता है कि मौसम जब ख़राब होता है, सूख जाता है, मतलब बहुत सारी परेशानियां आती है, तो ऐसे हो जाते हैं, फिर ये अपने आप ही सूख जाते हैं बेचारे। और अच्छे रहते हैं, हट्टे कट्टे रहते तो ऐसे फले फूले रहते हैं। इनको हम खा भी सकते हैं बैठे बैठे। तो आज दोस्त के गांव आकर अपने गांव की याद आ गई। मैं अपने गांव अराउंड 4 साल हो गया गया नहीं दोस्तों, लेकिन इस बार ज़रूर जाऊंगा क्योंकि अब बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तो ये एक और कुआ, ये हम, और ये पीछे सारा जहां अंगूर का। चलो चलते हैं आगे की ओर। तो हमारे जो ये उपजाऊ ज़मीन दिख रही है आपको दोस्तों, इनके पीछे इनकी मेहनत है। जब भी आप देख सकते हैं कितनी हरी भरी घास नहीं, आपको सब्जियां दिख रही है। तो जो खराब है वो नहीं, इसमें घान होती ना हाँ। कचरा वो निकाल रहे। तो आंटी कैसा लगता है जब ये पूरा एकदम उपजाऊ हो जाती है ज़मीन, सब चीज़ें रेडी हो जाती है, तो कैसी फीलिंग होती है? अच्छा लगता है, हरा हरा दिखता तो सर ना, ऐसा लगता है कि मेहनत रंग लाई है ना। मेहनत रंग लाई। और देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मेहनत नहीं करोगे आप तो कुछ भी नहीं मिलेगा, मेहनत बहुत ज़रूरी है। शहर के लोग तो कुछ भी नहीं करते, फिर सिर्फ बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, दैट्स इट। दोस्तों मेहनत करो और नाम करो, काम करो, माँ बाप का नाम रोशन करो। तो देख सकते हैं आप, ये देखो ये मेहनत है, मेहनत व्लॉग में भी बहुत मेहनत है दोस्तों। जैसे कि वो कह रहे हैं, वो भी व्लॉग बना रहे हैं। सो मेहनत हर चीज़ में दोस्तों, बस लगन से करें और सच्ची लगन से करें तो सब सफल होगा। क्या बढ़ा दूँ, लाइक बढ़ा दूँ? हाँ, कुछ तो करा दो भाई, वायरल करा दो इस वीडियो को। लाइक बढ़ा दो भाई, लाइक्स बढ़ा दो, वायरल भी करा दो इस वीडियो को, वायरल भी करा दो। सारे अंगूर देखकर जो एनर्जी आ रही है आपको बता नहीं सकता हूँ मैं अभी इस वक्त। वाइनयार्ड खोल लेंगे क्या? हाँ खोल सकते ना यार, वाइनयार्ड खुद की फैक्ट्री है, यहीं से जाएगा हमारा वाइन। तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, अब नासिक की ओर जाएंगे। और हमने अंगूर भी ले लिया, दिखा तो बहुत सारा अंगूर है, देख सकते हैं आप कितना भारी है। तो दोस्तों आप लोगों ने कभी हल्दी देखी नहीं होगी कि हल्दी उगती कैसी है, तो देख सकते हैं दोस्तों ये है हल्दी, यहीं से ही दुकानों में जाती है, एक्सपोर्ट होती है सब जगह पे। दोस्तों पहली बार देख रहा हूँ मैं ये चीज़। ये हल्दी भी पूरा बहुत ही खूबसूरत, 4 महीने दोस्तों, 4 महीने लगता है ये हल्दी तैयार होने में, आप देख सकते हैं 4 महीने मतलब जितना रखेंगे। ओके, अदरक की तरह दिख रही हो, है ना? कमाल है यार, ये अभी छोटा है मतलब, है ना? हाँ छोटा है। तो ये कितना टाइम लगता है इसको? इसको 6 महीना लगता है। 6 महीना बताओ, जब जाके दोस्तों आप, ये लहसुन है ना? ये लहसुन, तो देख सकते हैं दोस्तों जो इतनी महंगी लहसुन आपको मिलती है मार्केट में, वो यहाँ से जाती है। तो ये है मेहनत का फल, मेहनत करें और ऐसी हरी सब्जियाँ खाएं। बहुत मेहनत लगती होगी ना इस सब चीज़ों में? हाँ थोड़ा बहुत मेहनत, तो बगैर मेहनत का तो कुछ मिलता ही नहीं। कुछ नहीं मिलता है, बराबर। जब मेहनत करेंगे तभी सबको खाने को मिलेगा। बराबर बराबर।
लोग ये समझते नहीं है, शहर के लोग सोचते हैं कि बड़ी आसानी से चीज़ें मिल जाती हैं। आसानी से नहीं मिलता, इसको 6 महीने तक पानी देना होता है, बराबर करने का मेहनत बहुत ज़्यादा रहता है। इसका जो लहसुन का एक ऐसे छोटा आता है वो एक एक करके लगाना होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, दोस्तों आप लोग सुन रहे हैं कि कितनी मेहनत होती है इन सब चीज़ों में, तो रिस्पेक्ट करें। मैं जानता हूँ कि आप लोग रिस्पेक्ट करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं वापस नासिक। बहुत ही मज़ा आया, क्यों भाई? तो आज का दिन यादगार रहेगा, सुकून भरा रहेगा। अभी हम लोग खड़े हैं।